लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो जागो। अरे ओ छोटी मालकिन, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से? अरे ये इतनी जोर से आपने अंग्रेजी म्यूजिक लगा रखा है, उसको बजाया जा रही है, बजाया जा रही है, बजाया जा रही है, चिल्ला रही है और क्या करें? ये बेहुदा संगीत नहीं, एक्सरसाइज चल रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम? और हम भी आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि आपके शरीर से चमड़े की तरह चिपके हुए कपड़े, आपकी उटपटांग बातें हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, आप एक अच्छे खानदान की अच्छी लड़की, आपको चाहिए कि आप सवेरे उठ के प्रार्थना करें, पूजा करें। ये क्या सवेरे सवेरे ऊट पटांग में सरनटांग म्यूजिक, 1 2 4 नॉनसेंस, बड़ी शेख मूंगफली। बस बस अपनी एक्टिंग बंद करो। एक्टिंग क्या गुल खिलाएगी आपने जानती छोटी मालकिन? मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। जाने से पहले एक बात और कहकर चला चाहता हूँ कि दूध पी लीजिएगा। जी हाँ, मर गया। अब विक्की बाबू, अगर आप मेरे को मारे नहीं तो मैं अंदर आऊं? बिल्कुल अंदर मत आना साले, मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। सुबह सुबह सोने भी नहीं देता। विक्की बाबू, देर से उठना सेहत के लिए बुरी बात होती है, और जब आदमी की सेहत खराब हो जाती है ना जानी, तो अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि देर से उठना बुरी बात होती है, बुरी बात होती है, और 3 बार बुरी बात होती है। साले, खुद तो तू लेट उठता है और मुझे सबक सिखा रहा है, चला। साहब जी, आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वेट कर रहे थे साहब जी। क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब है साहब जी। तबीयत खराब है इसलिए देर हो गई? हाँ। ये ले। ये क्या है साहब जी? ये घड़ी है। मगर मैं इसका क्या करूंगा? क्योंकि जब भी तुझे देर हो जाती है, तुझे नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं। कभी तेरा पेट खराब हो जाता है, कभी तू घर के कामों को कोसने लगता है, कभी ये कहता है कि घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। देर होगी? नहीं साहब जी, अब देरी नहीं होगी। अरे देरी तो होगी। क्यों क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, तुम ठहरे कलाकार आदमी। कलाकार कोई क्लर्क की तरह होता नहीं जो वक्त के हिसाब से चलता है, और कलाकार का मूड भी होता है ना, और वो कभी कभी अपने मूड में खो जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए मैं सोच रहा था अगर तुम जैसे कलाकार को अगर मौका मिले तो क्या हो? क्या हो? पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। पार्की हो साहब जी, पार्की हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब जी। अबे साहब जी के बच्चे, कितनी बार कहा कि फिल्मों का बुखार उतार दे वरना कहीं का नहीं रहेगा। अरे आप अभी तक यही है? आपको ऑफिस नहीं जाना है? और तुम्हें क्या हुआ? कलाकार की भावना को आज तक कौन समझ पा रहा है? अच्छा, वो याद आ गया। वो सवेरे नैना मभी रवि भैया पे नाराज हो रही थी। उनको 10,000 का हार पसंद आया, मगर रवि भैया को आपसे पैसा मांगते हुए शरम आ रही थी। कहना था कहीं कृष्णा, अब ये वक्त आ गया। खाम खा सुबह सुबह एक कलाकार का मूड खराब कर दिया आपने। भैया, अरे जल्दी करो भैया, देर हो रही है। आ रहा हूँ। रवि जी। भाभी, अब क्या हुआ भाभी? अरे चुप, ये लो रवि। ये क्यों? नैना को जो हार पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह, भाभी हो तो आप जैसी। नहीं भाभी, रहने दो। अरे ले लो। अरे ले लो भैया, क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ ले लो, चलो। थैंक यू भाभी। मगर आपको कैसे पता चला मुझे पैसों की जरूरत है? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, वो अपना धागा है ना, धागा। धागा नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। क्या है, आप सब इस घर में मोती हैं, और वो जो पगला है ना कृष्णा, वो एक धागा है जिसने सब मोतियों को पुरो कर रखा हुआ है, इसलिए पता चल जाता है किसको किस चीज की जरूरत है, वरना कैसे पता चलेगा? लेकिन रवि, तुम्हें अपनी भाभी से पैसे मांगने में इतनी शर्म क्यों आती है? अच्छा नहीं लगता भाभी, बड़े भैया ने हमारे लिए अलग कारोबार शुरू करवाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा करवाया, और हमें कि आए दिन आपसे या बड़े भैया से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ठीक है ठीक है, अपनी भाभी को ज्यादा मस्का मत लगा, जल्दी चलो भाई, टिंकू के स्कूल में देर हो जाएगी। कृष्णा कृष्णा, या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहता रहो। कभी कभी गलती से हमारी भी कार साफ कर लिया करो कृष्णा।
जब देखो तब बड़े भैया की कार के पीछे पड़े रहते हो। इसलिए तो 6 साल बाद भी ऐसे लगती है जैसे नई नई शोरूम से आई है। ये साहब जी की मनपसंद कार है विक्की भैया, और साहब जी की हर मनपसंद चीज को हमेशा चमकते रहना चाहिए। आइए आइए चौधरी साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? भाई पता चला कि इस साल आप मेल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, सोचा कि आपको मुबारकबाद देता चलूं। भाई खड़ा तो हो रहा हूँ, मगर धनराज जी है ना 8 साल से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, उनके मुकाबले में मुझे कितने भाई 2 वोट्स की गारंटी तो मैं देता हूँ, एक अपने और दूसरे आपके। प्लीज कम इन, आइए कम। कुमार साहब बहुत दिनों से एक सपना देख रहा हूँ, वो हकीकत में बदल सकता है या नहीं सोचा आपसे पूछ लूं। ऐसा क्या सपना है? कुमार साहब आप मेरे बेटे राहुल को तो अच्छी तरह जानते हैं, उसके लिए मैं आपकी छोटी बहन ज्योति का हाथ मांगना चाहता हूं। मुझे तो कोई इतराज नहीं है चौधरी साहब, लेकिन हमारे जमाने से आज का जमाना बदल गया है, फिर भी घर वालों से पूछना होगा, खास करके ज्योति से। अरे छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आए करीब के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी लिफ्ट दे दे, रिक्शा बस के है बड़े झमेले। कृष्णा एक्टिंग बंद, क्या चाहिए? छोटी मालकिन आप कॉलेज जा रही है ना, हमको फैक्ट्री तक छोड़ दीजिए, सब्जी के लिए खाना लेके जाना, बहुत टेंशन हो रहा। लिफ्ट चाहिए? हाँ। तो फिर जल्दी करो, टाइम नहीं है। टाइम टाइम हमारे पास कहाँ है, चली जाएगी। भाभी माँ, अरे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की। कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा तुम जो इशारे मालकिन पुकारे रे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी पिप पिप देते है प्यारे रे, पम पम पम, अरे बाप रे बाप रे। आप हमको ऐसा कैसे को देख रही, हम तो नहा धोके पूजा पाठ करके आ रहे हैं। कृष्णा नीचे उतरो, धक्का मारो। चल बेटा कृष्णा लगा धक्का। अरे जय बजरंगबली। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा वो ये गाड़ी चल पड़ी पड़ी पड़ी। अरे राम नो कृष्णा, फिर से रुक गई, नीचे उतरो। कृष्णा धक्का लगा। अरे लगा रहे ना, एक तो चढ़ा रहे ऊपर से गाड़ी पे खटा रहा है। चल 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 हट हट। पहुंच गए कृष्णा, पहुंच गए। अरे छोटी मालकिन, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे लिफ्ट मांग के, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम थक गए कृष्णा? अरे नहीं छोटी मालकिन, 5 मील इस डिब्बे को धक्का मार के कौन थक सकता है। छोटी मालकिन, शहर में आपका कोई दुश्मन है? क्यों? ये डिब्बा उसको बेच दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेच दूंगी। और सुनो बड़े भैया को खाना देने के बाद पारसेरो से 4 टिक्के ले आना, मैंने अपनी सहेलियों को आज फिल्म दिखाने का वादा किया। अरे वो तो ठीक है छोटी मालकिन, मगर इस डिब्बे का क्या करेंगी आप, यहाँ तक तो हमने पहुँचा दिया, अब आगे कौन पहुँचाएगा? खुद ये डिब्बा। अजंता गार्मेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी भी हालत में पूरा करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज तो मिलता नहीं, हमारे वर्कर्स डबल शिफ्ट करेंगे, इसमें उनका भी फायदा है और हम अपनी डिलीवरी भी वक्त पर दे सकेंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल बहुत चाहिए, आईएमटी से बहुत रुपए लगेगा। रुपए इज नो प्रॉब्लम, जितना भी पैसा मार्केट से मिलता है उठा लो। अरे राम राम। अरे कृष्णा क्या बात है, इतना पसीना क्यों बह रहा? हाँ वो क्या है कि आज हम गाड़ी में आए हैं ना। गाड़ी में आए और ये हाल है? हाँ वो छोटी मालकिन की गाड़ी में आने से यही हाल होता है, वो आप नहीं समझेंगे, आप खाना खाइए। हाँ अभी रख दो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता साहब जी। कृष्णा अगर काम नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा? और खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है ना। हाँ सारी साहब खाना खा रहे हैं, बाद में फोन कीजिएगा। हाँ ठीक है। किसका फोन था? अरे किसका भी फोन था, आप खाना खाइए ना, आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? आप भी जाइए अपना खाना वाना खाइए, खाने दीजिए। सर बुरा मत मानिए, लेकिन एक मामूली से नौकर को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी भी जुबान को सीखने के लिए 6 महीने काफी होते हैं, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए 60 साल भी बहुत कम होते हैं। ये जिसे जिसे तुम मेरा नौकर कह रहे हो ना, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा सब कुछ है। हाँ ठीक है, इसके साथ मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन क्या
खून का रिश्ता होना जरूरी है। I'm sorry, sir. लेकिन आपने आज तक बताया नहीं कि कृष्णा है कौन। कृष्णा एक अनाथ है साहब, जो इस देवता को आज से 18 साल पहले मिला था। क्यों बेटे? आरजे? नहीं बाबूजी, ये तो इसकी रोज की आदत है। जब किसी भले आदमी को देखता है उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर आज तक किसी भले आदमी ने इस अनाथ का हाथ नहीं पकड़ा। उन होठों की मिठास हम आज भी अपने पेशाने पर महसूस करते हैं। उस दिन तक ये हमारे कोई नहीं थे, मगर आज आज ये हमारे सब कुछ है। भगवान कसम, इन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि इस अनाथ को कभी अपने सगे माँ बाप की भी याद दिया। ए, इधर चल, बहुत हो गया है ना, आप तो जा सकते। मुंह लटका कर खड़ा रहेगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मुस्कुरा। अरे ठीक से मुस्कुरा, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़। चलिए सब्जी, जल्दी से खाना खा लीजिए, हमको डिब्बा लेके जाना है।